पिछले रमजान शरीफ में बड़ा अजीब वाकया हुआ, और ऐसा वाकया कि मैं उसको सोचता हूं तो जिसे हम कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो हमारे बाबा जी हैं, मैंने उनको फोन किया, मैं उनकी खैर खरीद के लिए फोन करता रहता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ करें। तो वो कहने लगे, पुत्र क्या दुआ करूं तुम्हारे लिए? मैं कहा, मेरे लिए मगफरत की दुआ करें। तो वो कहने लगे कि भाई मगफरत की दुआ का तो तरीका ही बड़ा आसान है, और मगफरत की दुआ के कबूल होने की भी गारंटी है, बशर्ते के जैसा मैं कहता हूं वैसे करो। तो मैंने कहा, मुझे बताइए। तो कहने लगे, मगफरत की दुआ करने का ये तरीका है कि आप अल्लाह पाक से ये कहें कि अल्लाह पाक, इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं ना, मैंने उन सबको माफ किया। आज से मेरा किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं, मेरे दिल में कोई बोझ नहीं, मेरे दिल में किसी के बारे में कीना नहीं। तेरी मखलूक जितनी भी यहां रह रही है, मैंने उन सब को माफ किया, लिहाजा अब मैं तुझसे गुजारिश करता हूं कि तुझे मुझे माफ कर दे। ये बात सुनी तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और मैंने ये सोचा कि हम हर वक्त अल्लाह के सामने मगफरत की और इस्तगफार करते हैं और माफी की दरखास्त करते रहते हैं, लेकिन हम खुद अपने तौर पर किसी को माफ करने को तैयार ही नहीं है। जिससे हमारा छोटी सी किसी बात पर झगड़ा है, तो उस झगड़े को दिल में लेकर हम क्या क्या उसके नुकसान के मंसूबे नहीं बनाते। कैसे हमारे मुकदमात चल रहे हैं, कैसी हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, कैसे हमारे झगड़े चल रहे हैं। और ये नहीं कि औरों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ हम एक ही दफ्तर में एक ही जगह पर काम करते हैं, उनके साथ जरा जरा बात पर हमारे तनाजात चल रहे हैं, और हम उनको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और दूसरी तरफ हम यानी इबादत करके अल्लाह से मगफरत चाहते हैं। तो वो बाबा जी की बात मेरे दिल पे ऐसे लगी, मैंने कहा कि हमें तो हक नहीं है अल्लाह ताला से अपनी मगफरत मांगने का, अगर हम खुद अपने अंदर माफ करने की इस्तेदात और जज्बा पैदा नहीं करते। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैं, चूंकि आपने ये जिक्र किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं।